जी बिल्कुल, बारिश और बर्फ बरसाने वाला सिस्टम आज रात को बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने कोयटा, चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला समेत शुमाली बलोचिस्तान के तमाम इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के सिलसिला शुरू होने का की पेशगोई की है। कोयटा में आज सुबह 5 बजे रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत के मुताबिक 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कल रात में -4, इसी तरह ज़ियारत में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज के दौरान पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ होने के बाद सर्दी की शिदत में इजाफे का इम्कान है। बहरहाल आज कोयटा में मौसम इंतहाई खुशगवार है और जो 2 रोज सर्दी की लहर आई थी वो आज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जो इस चीज़ की अलामत है कि बारिश या बर्फबारी का जो नया सिलसिला है वो कोयटा में भी या अतराफ की पहाड़ी सिलसिले में होगा। चूंकि कोयटा में तवील अरसे तक बारिशें नहीं हुई थी, सैलाबी सूरत हाल के बाद मौसम सरमा की ये पहली बारिश या बर्फबारी होगी। इसके अलावा तमाम इलाकों में पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी किया है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, अगर मौसम खराब हो तो पहले वेदर को चेक करके मुसाफिर सफर इख्तियार करें ताकि उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी।